How you doing? Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही उम्दा वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्नैक्स फ्रॉम बाली। और स्नैक्स फ्रॉम बाली एक्चुअल ओरिजिन स्नैक्स फ्रॉम बाली ही है, इंडोनेशिया बाली वहीं के स्नैक्स हैं जो मेरे पास क्वारंटाइन से पहले आ रखे थे, बट मैंने इसको मतलब वो डब्बा अपना खोला नहीं था, मैंने साइड में उसको रख दिया था कि हाँ मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। और तब से लेकर अब तक अच्छा खासा टाइम हो गया एंड जब मैंने डब्बा खोला तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें इसमें से गायब थी, मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं। पता चला कि जो बच्चा कुचा है ना वो भी चला जाएगा सारा। एंड ये मैंने बिल्कुल जो स्नैक्स हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं करे हैं, तो मैं आपके साथ पहली बार ये चीज़ मतलब शेयर कर रही हूँ कि चलो ट्राई करके देखते हैं बाली के स्नैक्स कैसे होंगे। एंड फनी सीन ये है कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इन स्नैक्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये स्नैक है किस चीज़ का, मतलब नाम वाम से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। एंड एक और फनी सीन है कि ये बहुत ही बड़ा एक डिसेप्शन से शुरुआत हो रही है इस वीडियो की, क्योंकि जो फोटो है थंबनेल में वो गोवा ट्रिप की है, इसमें स्नैक्स फ्रॉम बाली है जो बाली के स्नैक्स हैं और बना रही हूँ मैं घर में। तो ये बहुत ही एकदम डिसेप्शन वाली वीडियो बना दी है शुरुआती, मगर हाँ इसके बाद हम जो भी ट्राई करने जा रहे हैं वो सारा का सारा बाली का ही सारा सामान है और घर पर ट्राई करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एंड खाते हैं, सो लेट्स गो। तो हमारा पहला स्नैक जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है सितारा सा खास बाली, पता नहीं क्या ये पिसांग अरोमा इस पे लिखा हुआ है, अरोमा का तो नहीं है मतलब कुछ खाने की चीज़ है, इतना तो मुझे श्योरिटी है, इसमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है तेल वेल है उसमें क्या है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या निकलेगा ये, बट थोड़ी मतलब एक्साइटमेंट भी है कि क्या निकल रही है। तो चलिए खोल के देखते हैं क्या है ये। इसको तो मैंने ओपन बिल्कुल नहीं करा है। सरसों के तेल की खुशबू आ रही है, सो ये ऐसा है, मैं दिखाती हूँ, देखने में ये कुछ ऐसा है एंड इसको ट्राई करके देखते हैं क्या है ये, आधा खोल के देखूंगी, क्रंची है, मीठा मीठा है, मतलब एक इंडियन डेजर्ट होता है बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। और जो सरसों के तेल की मैं बात कर रही थी, खाने में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो बस फ्रेग्रेंस में आ रहा था उस टाइम, बड़ी अच्छा है, मतलब मीठे के कॉन्सेप्ट बना रखा है, क्रिस्पी बालूशाही, क्रिस्पी बालूशाही ऐसा टाइप का टेस्ट है इसका, मगर मगर थोड़ा कम मीठा एंड अंदर से तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लेयर्स हैं जो कि इतनी कुछ वो नहीं है, अंदर कुछ स्टफिंग वफिंग नहीं है, बस प्लेन है एंड स्वीट स्वीट है। तो मुझे थोड़ी भूख लग भी रही थी, बहुत अच्छी तरह से उमदा शुरुआत के बाद हमारी वीडियो की अब हम अपने नेक्स्ट चरण पे पहुंचते हैं, मतलब अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं एंड लेट्स चेक कि हमारा जो नेक्स्ट स्नैक है वो कैसा है, क्या है। और ये रहा हमारा नेक्स्ट स्नैक, एंड ये रहा हमारा नेक्स्ट स्नैक दिवाता रियल टेस्ट ऑफ इंडोनेशिया सॉल्टी ब्रेड फ्रूट चिप्स। चलो इसका पता तो चला कि ये सॉल्टी ब्रेड फ्रूट चिप्स हैं, मतलब ब्रेड फ्रूट चिप्स, ओके। सो और इसके इंग्रेडिएंट्स भी इसमें लिखे हैं, ब्रेड फ्रूट, सॉल्ट, गार्लिक ऑयल एंड
बाली के हम स्नैक खा रहे हैं और अब हम चलते हैं इसको ट्राई करते हैं। ओके, सबसे बेस्ट चीज फुल लीफ है क्या? कोई फुल लीफ, फुल लीफ, फुल लीफ, फुल लीफ, फुल लीफ नहीं, यही है। कितना बड़ा लीफ है ये। क्या सही चीज लग रही है, एकदम मस्त झकास। ये देखो मुंह के बराबर है। मैं देखिए नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। क्या मस्त लग रहा है एकदम। इस रेडी में तो पत्ता होता है, पता नहीं क्या है, बहुत ही सुंदर इसकी शेप है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। देखो ज़रा, आई थिंक ये पूरा होता प्रॉपर, बट टूट गया इसके अंदर, मतलब पैकेजिंग में आने जाने में रखने में टूट गया। इतना टाइम हो गया बेचारा, अच्छी बात है कि एकदम चकना चूर नहीं हो रखा, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड बेस्ट चीज़, How you doing? Batman ही थोड़ी फील आ रही है और सुपरमैन मास्क लगा के मैं घूमूंगी। तो चलो हम ट्राई करके देखते हैं। मुझे लिटरली मन नहीं कर रहा कि मैं इतने बड़े को मतलब तोड़ूं, तो मैं छोटे वाले लेती हूँ। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको तोड़ने का, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक दिस, तो मैं छोटा वाला लूंगी। सो छोटा पीस लिया हमने एंड ट्राई करके देखते क्या ये। बनाना चिप से थोड़ा सा मेरा टेस्ट है। इससे पहले स्वीट और बहुत ज़्यादा कंची जैसे मैंने जो खाया था, ये ब्लैंड है। ऑब्वियसली इसमें लिखा भी था इसके इंग्रेडिएंट के बेस पे कि सॉल्ट, गार्लिक और ऑयल और ब्रेड, व्हाट वाज दैट, ब्रेड फ्रूट। क्या होता है ब्रेड फ्रूट मुझे बताना, अगर किसी को पता हो तो। नेक्स्ट स्नैक की ओर अब हम बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं क्या है। तो ये नेक्स्ट स्नैक है बम्बू वाली ओरिजिन, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है क्या ये। ककांग कोरो पुलिट बेसर, ये इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा है। आई लिटरली हैव नो आइडिया, मुझे मजा आ रहा है। बीज बीज जैसा फील आ रहा है इसमें थोड़ा। अंदर से बिल्कुल हॉलो है, गिर ना जाए इसलिए ऐसे पकड़ा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे वाह, हाँ ये मुझे पता है, एकदम मस्त वाला। दाल भिजी जो आती है उसके अंदर जो छोटे छोटे ब्लैक और येलो कलर पे, आई थिंक मुझे नमकीन नहीं होता, छोटे 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 उसके अंदर दाल भिजी में, डिटो टेस्ट है उसका, डिटो। ऐसे बड़ा वर्जन ऑफ दाल भिजी लग रहा है ये। मतलब जो मैं बताना चाह रही हूँ वो काइंड ऑफ जैसे दाल भिजी होती है, उस जो छोटी सी दाल भिजी दिखती है ना वैसे, जैसे ये देखो ये एकदम उसी टाइप का शेप है, बस थोड़ा बड़े में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़े में। मस्त है। एंड बेस्ट चीज़ मुझे ये लग रही है कि मुझे कुछ ऐसा अभी तक मैंने नहीं खाया जिसमें मुझे लगे कि ओ माय गॉड, मतलब या मेरा ऐसा हो कि क्या खा लिया। बहुत ही अच्छे थे अब तक जो भी स्नैक्स मैंने खाया। मतलब आप ये देखो कि स्पाइसी मोड में नहीं है, अभी तक मैंने देखा है स्पाइसी मोड में नहीं थे, नॉर्मल थे, बट थोड़े डिफरेंट थे। मतलब एक इनलार्ज्ड फिगर है जैसे दाल भिजी वाले की, या वो जो पत्ता था उसकी इनलार्ज्ड फिगर है, बट अच्छा है, मतलब ट्राई करने लायक। अब हम अपने नेक्स्ट स्नैक पे चलते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारा नेक्स्ट स्नैक है कैरी पिक नंगा सलाक। फिलहाल ये मुझे कोई ना फ्रूट लग रहा है, जैसे ये जो है ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये आई थिंक कोई फ्रूट है वहाँ का, कोई बहुत ही जैसे फेमस फ्रूट है,
ये मैंने खाया ज़रूर है, क्योंकि जब ये स्नैक्स आए थे मेरे पास तो मेरे पास दो तीन फ्रूट्स भी आए थे, तो मैंने ट्राई किया था। सिंघाड़ा नहीं होता हमारे यहाँ पे, जो फ्रूट वेजिटेबल उसको, मतलब उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, ग्रीन कलर का जो आता है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, कोटिंग बोल रही हूँ, ग्रीन कलर की कवरिंग होती है और अंदर वाइट कलर का होता है, उसको आप एकदम छील के खाते हो, उसको आप कच्चा भी रॉ भी खा सकते हो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसको आप उबाल के या मतलब सौते कर, मतलब किसी भी टाइप से खा सकते हो। तो उस इस फ्रूट का टेस्ट एकदम वैसा था जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है। एंड चलो आप ट्राई करके देखते हैं। खुशबू इतनी अच्छी लगी, चलो खा के देखते हैं क्या है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, एक मेरे आगे वाले जो दांत है ना उसकी ये सब है, आगे वाले दांत टाइप का लग रहा है मेरा। हाँ 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 फिलहाल चलो ट्राई करके देखते हैं इसको। देखने में अच्छा है, कुछ इस टाइप का है। एंड चलो ट्राई करके देखते हैं क्या है। फ्रूटी फ्लेवर है इसमें, मतलब फ्रूटी का फ्लेवर नहीं है, मतलब फ्रूट का फ्लेवर है। सारे मस्त क्रिस्पी हैं। मोटा ही है, इसको चबाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट इसका फ्लेवर थोड़ा फ्रूट बेस में आ रहा है और बहुत ही ऐसा एकदम -2 वाला मीठा, तो यूनिक। तो हमारा नेक्स्ट स्नैक जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है सोफिया 06 स्टिक केटेला उंगू, ये रहा वो स्नैक। एंड थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ये, थोड़ा नहीं ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है देखने में। एंड इसको खोल के देखते हैं कैसा है ये। दिस इज प्रॉपर बीटरूट के कलर का, प्रॉपर बीटरूट के कलर का है ये। एंड ट्राई करके देखते हैं कैसा है। इसका जो फ्लेवर है ना, बिल्कुल सबसे पहले खाया था ये, इससे 70% सिमिलर है। सच बताऊँ तो मैं इसको थोड़ा ट्राई करने में थोड़ी ऐसे हेजिडेंट थी, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बट यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो खा के देखा तो मीठा निकला, मतलब लिटिल हार्ट जो होता है ना उसका काइंड ऑफ टेस्ट है वो, थोड़ा आई थिंक बिस्किट बेस का क्रिस्पी है ये, थोड़ा जो भी बेस का क्रिस्पी है, मगर जो टेस्ट है ना थोड़ा सा लिटिल हार्ट के कॉन्सेप्ट टाइप्स का लग रहा है। हल्के स्वीट स्नैक्स और एकदम नॉर्मल स्नैक्स, इन सबका कॉम्बिनेशन मुझे दिखाया आज। खाने के स्नैक्स हमने ट्राई कर लिए हैं, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वहाँ के बेवरेज जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं ऑन द स्पॉट अभी नहीं बनाने वाली। वो है बाली की ओरिजिनल कॉफ़ी। ये है बाली की ओरिजिनल कॉफ़ी, तो इसको हम अरेबिका ट्रेडिशनल रोस्टेड बाली ओरिजिनल कॉफ़ी प्रॉपरली इसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से इसकी पैकेजिंग भी कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे रॉयल वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली। इसके जब अब ये जो रोस्टेड बीन्स हैं, देखते इसका क्या करती हूँ मैं, विल सी। एंड इसका मैं कुछ ना कुछ करूँगी तो ज़रूर ऑब्वियसली। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ पर तीन बेवरेज है और अगर इन तीनों बेवरेजेस को मैंने एक साथ खोल के बनाया तो मेरी मम्मी ने मेरे को दूर से चप्पल फेंक के मारना है, तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि
स्नैक्स तो खोल के आपने एक एक खा लिया, पैक करके रख दिया, इसको खोला, इसको बनाया, फिर थोड़ा पिया और फिर रख दिया और फिर चप्पल खाई, ऐसा तो ना चलेगा जी। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज दिस गर्ल इज़ फूडी फॉरएवर पे मैं डालूँगी ज़रूर, जब मैं इसका बनाऊँगी तो मैं इसको डालूँगी कि कैसा बना था, मतलब स्पेशल बाली या ऐसे स्नैक्स इन बाली करके मैं ऐसे कुछ टाइटल डाल के डालूँगी। आप उसको चेक ज़रूर करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम पेज है दिस गर्ल इज़ फूडी फॉरएवर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो ज़रूर करना, थैंक यू सो मच। अब फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जिंजर टी एंड ये है वनीला कॉफ़ी, जिंजर टी वनीला कॉफ़ी, और यही था हमारा पूरा का पूरा स्नैक्स फ्रॉम बाली का हॉल। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जल्द ही हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाएंगे, एंड अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।